यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन गाइस, इसमें हम मेरे से एक गलती हो गई, मेरा जो पुराना वर्ल्ड था वो गलती से डिलीट हो चुका है। तो अभी मैंने नया वर्ल्ड दोबारा से बना लिया है। तो अब हम दोबारा से अपनी सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.20.70 की। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम चीज़ें करने वाले हैं जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं ट्री को काट लेता हूँ और वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। वैसे गाइस, मैंने आपको एक माइनक्राफ्ट का शुगर केन फार्म बताया था, वो फार्म पे मतलब अच्छे व्यूज आ गए मेरे हिसाब से। तो गाइस, ऐसे मैं आपको और भी अमेजिंग फार्म्स के ट्यूटोरियल देता रहूँगा। और गाइस, इतना बोलते बोलते ही हमें हमारे स्पॉन पे देख सकते हो आप, जस्ट हमारे स्पॉन के बगल में एक विलेज है, हमारे स्पॉन के जस्ट बगल में। और गाइस, मैं यहाँ पे शुगर केन लेने आ रहा था, लेकिन क्योंकि शुगर केन हमारे बहुत काम आती है, लेकिन हमें तो विलेज ही मिल गया। और गाइस, हमारा स्पॉन भी बढ़िया है, प्लेन्स बायोम में है और ऊपर से प्लेन जगह भी है, तो हम यहीं पे अपना घर भी बना सकते हैं, जिससे कि अगर हम कभी मरे और हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट ना हो तो हम सीधा इसी जगह स्पॉन हो जाएंगे, यानी अपने बेस पे ही अगर हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। और गाइस, यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है और आप सभी को पता है कि अब मुझे इसमें बहुत सारे डायमंड मिलने वाले हैं। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा सामान है। इसमें आयरन की पिकैक्स है जिससे मैं डायमंड माइन कर सकता हूँ, यानी मेरे को इस वाली चेस्ट से डायमंड ही मिले हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डायमंड ही है। तो गाइस, अभी इस विलेज को देख लेते हैं। इधर पे फार्म्स है, बीट रूट लग रखी है। तो गाइस, बीट रूट का मतलब विलेजर से ट्रेड करने के काम आएगा, क्योंकि उसे खा के तो कुछ फायदा है नहीं। और गाइस, यहाँ बहुत सारा हे बेल भी है, हे बेल भी मैं कलेक्ट करूँगा, अपना फूड का इंतजाम हो जाएगा। और गाइस, इधर ही मैं आसपास में देखूँगा, अपने स्पॉन पॉइंट के आसपास में विलेज भी बगल में ही है, वहीं यहीं पे अपना बेस बनाएंगे। अब ब्लॉक इकट्ठा कर लेते हैं, गोलम का काम करना है क्योंकि, और साथ ही हमें थोड़ा स्टोन भी चाहिए रहेगा, उसे भी माइन कर लेते हैं। क्योंकि गाइस, हमें भले ही शुरुआत में आयरन की पिकैक्स मिल गई, लेकिन बाकी टूल्स के लिए हमें स्टोन तो चाहिए ही चाहिए। तो जल्दी से थोड़ा सा स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ। और गाइस, अगर आपको वीडियो क्वालिटी या किसी चीज़ में कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके मुताबिक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस, मुझे जितना स्टोन चाहिए था मैंने उतना ले लिया, और अब जल्दी से एक हो बनाते हैं ताकि जितना भी हेबेल है उसे हम लपेट लें। गाइस, ये मत सोचना कि हम विलेजरों का खाना चुराते हैं, नहीं, विलेजरों को वैसे भी उसका कुछ काम नहीं होता है, तो वो हमारे लिए ही रखा होता है, तो उसे उठाने में कोई झिझक वाली बात है ही नहीं। और जब कोई झिझक वाली बात है ही नहीं तो हम क्यों ना उठाए खाना, सही बात है ना। तो इसी सही बात के लिए एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे मिलेगा मोटिवेशन, आप लोगों के लिए लाऊंगा और भी तगड़ी तगड़ी वीडियो। और गाइस, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एक SMP आ रही है, पैराडाइज SMP, और उस SMP की खासियत यह है कि उसमें मेरे फेवरेट यूट्यूबर भी होंगे जो हैं बोट, अब उनका असली नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो और उनके साथ कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जो एक SMP बना रहे हैं, पैराडाइज SMP। तो गाइस, आप मेरे को मेरी हर वीडियो पे सपोर्ट करो जब तक कि वो पैराडाइज SMP नहीं आती। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी मौका मिलेगा उस पैराडाइज SMP में जाने का। तो गाइस, इसीलिए एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बता देना अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो। और गाइस, आप सोच रहे होगे ना कि मैंने उस विलेजर को बिना बात के क्यों मार दिया। गाइस, क्योंकि वो मेरे काम का है ही नहीं। ये जो ग्रीन सूट वाला विलेजर होता है ना, ये नल्ला बेरोजगार विलेजर होता है, ठीक है। इस विलेजर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस पूरे विलेज में एक बेड को घेर के रखता है
और इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है इस दुनिया में, इसलिए आपको जब भी ये विलेजर दिखे इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो में। तो गाइस अब तक तो मैंने इतने सारे घर चेक कर लिए, और भाई एक और ग्रीन सूट का विलेजर, इस नल्ले का कुछ काम नहीं है विलेज में फिर भी ये घूम रहा है। और गाइस आपका पता नहीं मुझे, लेकिन जब भी मैंने गोलम के सामने इस ग्रीन सूट वाले विलेजर के रैपट धरे ना, गोलम ने मुझे कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई गोलम खुद जानता है कि इस नल्ले को बचा के क्या ही करूँगा, और एक एक इन फार्मिंग फसलों की बीज ले लेते हैं। वैसे वीट के बीज की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मैं फिर भी ले लिया कि लो लो काम आएगा। गाइस अब अपने स्पॉन पॉइंट पे चलते हैं, बगल में ही है यार स्पॉन पॉइंट, और देखते हैं अपने स्पॉन पॉइंट के बगल में ही कोई अपना मस्त सा घर बनाने वाला हूँ मैं तो। क्योंकि गाइस एक तो अपना स्पॉन इतनी बढ़िया जगह पे है, दूसरी बात बगल में ही विलेज है, तीसरी बात बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, और चौथी बात ये प्लेन्स बायोम है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 95% लोगों को प्लेन्स बायोम के अलावा किसी भी बायोम में घर बनाना पसंद ही नहीं है, 95 देखा, और उन 95 में मैं भी आता हूँ, क्योंकि प्लेन्स बायोम में यार घर बनाने में मज़ा आता है, बाकी बायोम तो एकदम बेकार सी लगती है, कचरा। तो गाइज ये पहाड़ है, एक बार गाइज पहाड़ पे चलते हैं, मैं अपने स्पॉन पॉइंट से थोड़ा सा आगे आया हूँ, ज़्यादा नहीं 10-15 या 20-25 ब्लॉक ही है, बगल में पहाड़ भी है, तो एक बार इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं। इधर ही मैं बेस बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इधर फ्लैट एरिया बहुत बढ़िया है, तो मैं इधर ही बेस बनाने का सोच रहा हूँ, तो एक बार पहाड़ पे चलेंगे और नज़ारे देखेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। और तब तक के लिए मैं शीप को मार के फूड और वूल इकट्ठा कर लेता हूँ, फूड की तो ज़रूरत नहीं है, विलेजरों का हेबेल चुरा ही लिया है, वूल इकट्ठा करना है, क्योंकि मैं विलेज से एक बेड लाना भूल गया। तो देखते हैं किसी शीप को जो मिल जाए और मेरा बेड बन जाए। तो गाइज अब मैं आपसे मिलता हूँ पहाड़ की चोटियों पे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ पहाड़ पे, और गाइज मैंने एक जगह पे बेड बना के उसे प्लेस भी कर दिया है। तो गाइज देख लो ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ये एक तो ये बहुत ज़्यादा प्लेन है और ऊपर से इतना बढ़िया भी दिख रहा है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एरिया को प्लेन करने के लिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और गाइज थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, गाइज लाइक कर दो क्योंकि किस्मत चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। देख लो हमें मिल चुका है एक और विलेज, कहाँ पे मिला है ये विलेज, स्पॉन के जस्ट पहाड़ के बगल में, नहीं गलत बोल गया, स्पॉन के जस्ट बगल के पहाड़ पे ये विलेज स्थित है, जिसे भी मैं लूट रहा हूँ। और गाइस मैंने एक चीज रह गई यार, अरे यार रह गया, अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्या रह गया, जी गाइस गोलम को मारना रह गया, इधर के गोलम को तो जरूर मारेंगे। और गाइस देख लो हमारे पास है दो दो विलेज, हमारे स्पॉन एक तो इतना बढ़िया है, ऊपर से स्पॉन पे ही दो दो विलेज है, एकदम प्लेन प्लेन जगह है जहाँ पे हमें ज़्यादा जगह को प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा दोस्त, इसको लपेटेंगे, लपेट ही देते हैं, आ जा भाई आ जा जल्दी से पिलर बना लेता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत दम है मुझे पता है उसमें है नहीं है भाई नहीं है दम, बेचारा चढ़ भी नहीं पा रहा, एक ब्लॉक नहीं चढ़ पा रहा बेचारा, दम नहीं है इसमें, ले ले घूर क्या रहा है, नहीं तो घूर क्या रहा है, शक्ल देखी तूने अपनी, कैसे देखी होगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट में शीशा है नहीं। जल्दी से ये जितना भी फूड दिखता है ना इसको गायब करते हैं विलेज में से, क्योंकि गाइस ये सब अपना ही है, क्योंकि विलेजर तो इसका कुछ करते ही नहीं है। तो आप सबसे मिलता हूँ सारा फूड इकट्ठा करने के बाद।
तो गाइस मैं विलेज को लूटने के बाद आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपना बेड चेस्ट और फाइनेंस प्लेस कर दिया था। तो अभी जल्दी से हमें थोड़ा सा फूड बना लेते हैं और बाकी सारा जो फालतू सामान है उसे लगा देते हैं। और गाइस ये जो सैपलिंग है ये हमारे काम की है, क्योंकि अगल बगल में सिर्फ एक दो ट्री हैं, वो भी बहुत दूर दूर। ट्री की कमी है इधर पे बस, बाकी जगह अच्छी है। तो ट्री को प्लांट कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े वुड के लिए, और जब ये ग्रो हो जाएंगे तो हमारे काम आएंगे। तो अभी तो फालतू जितना सामान था उसे रख देता हूँ मैं चेस्ट में। तो गाइज मैंने अपनी इन्वेंट्री तो सॉर्ट कर दिए और अभी एक वाटर बकेट बना लेते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इधर दूर दूर तक पानी नहीं है। तो मेरे को दो चक्कर मारने होंगे जिससे कि मैं दो बकेट पानी लाऊंगा और इन्फिनिटी सोर्स बना दूंगा वाटर का, और फिर मेरे को बार बार दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। और यहाँ से मेरे को पानी दिख भी गया है और ये शायद किसी केव में है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। अरे डैमेज लग गया। वैसे भी हार्डकोर वर्ल्ड थोड़ी है जो जरा सा डैमेज लगने पे चिंता करा जाए। सही बात है ना गाइस। तो आपसे मिलता हूँ इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना के। तो गाइस ये लास्ट वाटर बकेट और अब हमारा बन चुका है इन्फिनिटी वाटर सोर्स। अब हमें दूर नहीं जाना होगा। तो गाइस अब करते हैं हम वीडियो को एंड। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।